प्रश्न। आमतौर पर यह माना जाता है कि यदि आप जानकारी को सबसे प्रभावी तरीके से समझाने में सक्षम हैं, तो आप एक अच्छे संचारक और सूत्रधार हैं। हालांकि प्रभावी संचार की कुंजी जुड़ाव है। एक प्रभावी संचार वह होता है जो 30% समय बोलता है और 70% बार सुनता है। अन्यथा क्या आप सोच सकते हैं कि यह प्रशिक्षण कितना उबाऊ होगा यदि केवल सूत्रधार ही पूरे समय बात करते और प्रतिभागी चुपचाप सुनते रहते। लेकिन अगर आपने समूह या व्यक्तियों के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश की है, तो आपको पता होगा कि लोगों के लिए आपसे बात करना आसान नहीं है। ताकि आप सुन सकें, तो असली हुनर लोगों को बात करने के लिए प्रेरित करना है। लोगों से बात करवाने का सबसे आसान और असरदार तरीका है सवाल पूछना। आप क्या, क्यों, कब, कहां, कौन और कैसे के आसपास बुनियादी सवाल सुनेंगे। विभिन्न प्रकार के प्रश्न विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर आप प्रश्नों को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। ये हैं क्लोज एंडेड प्रश्न, जिनके बहुत छोटे उत्तर हैं या केवल हाँ या ना में प्रतिक्रिया है, और ओपन एंडेड प्रश्न, जहाँ उत्तर विस्तृत होंगे और उन्हें विस्तार से समझाया जा सकता है। बंद क्लोज प्रश्न दरवाजे पर दस्तक की तरह है, श्रोता का ध्यान आकर्षित करने के लिए। उदाहरण के लिए, क्या आपको वीडियो पसंद आया, या क्या आपको समझ में आया कि मक्का के बीज को उच्चारित करने की आवश्यकता क्यों है। प्रतिक्रिया आम तौर पर हाँ या ना में हो, या शायद नाम के साथ एक संक्षिप्त उत्तर होगा। क्या आप हाल ही में सुने गए एक बंद प्रश्न के बारे में सोच सकते हैं। अब एक खुला प्रश्न वह है जो श्रोता के मन की स्थिति को समझने या उनकी समझ का आंकलन करने में आपकी सहायता करे। यह दरवाजा खोलने जैसा है। उदाहरण के लिए, हमें बुवाई के पहले मक्के के बीज का उपचार क्यों करना चाहिए, या आप इस प्रशिक्षण में क्यों आए हैं, या आपको स्पीकर के बारे में एक गहरी जानकारी देगी और आपको उनके साथ जुड़ने में मदद करेगी। यह आपको उनकी मनस्थिति, उनकी रुचि या चुनौतियों को समझने में भी मदद करेगी। क्या आप हाल ही में हुए सुने गए एक मुक्ता प्रश्न के बारे में सोच सकते हैं। क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड दोनों प्रश्नों का अपना महत्व है और उन्हें सही समय पर पूछे जाने की आवश्यकता है। हालांकि यदि आप वास्तव में अपने दर्शकों के साथ जुड़ना चाहते हैं और एक प्रभावी सूत्रधार बनना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे खुले प्रश्न पूछने चाहिए। उदाहरण के लिए, एक क्लोज एंडेड प्रश्न पूछें, क्या आप प्रश्नों के प्रकार को समझते हैं, और एक बार जब आपके पास हाँ या ना में प्रतिक्रिया होती है, तो आप यह पूछकर गहराई में जा सकते हैं। विभिन्न प्रश्नों के प्रश्न और उनके उद्देश्य क्या है। इस प्रकार प्रश्नों का सही उपयोग दर्शकों को बात करने के लिए प्रेरित कर सकता है, और इसलिए एक दिलचस्प बातचीत करें जो भागीदारी पूर्ण और आकर्षक हो। यह दर्शकों को चर्चा के विषय के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है, अपना इनपुट देता है और सुनने के लिए सम्मान और सराहना महसूस कराता है। प्रश्नों का सही सेट पूछना।